तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट आर लावा प्लेट्यूज। या तो हम इसे लावा प्लेट्यू कहेंगे या फिर हम इसे वॉल्केनिक प्लेट्यू भी कह सकते हैं। लावा ऑब्लिक वॉल्केनिक, वॉल्केनिक प्लेट्यू और लावा प्लेट्यू में क्या क्या अंतर होता है? जैसे कि लावा से आप समझ गए होंगे, जो वॉल्केनिक जब उठता है हमारी पृथ्वी में, तो वॉल्केनिक से क्या होता है, आपने वॉल्केनिक देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर देख सकते हैं वॉल्केनिक वीडियो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि वॉल्केनिक क्या होता है। पृथ्वी में अंदर गैसें उत्पन्न होती हैं और जो गैसें उत्पन्न होती हैं, जब गैसें ज्यादा हो जाती हैं तो वॉल्केनिक का रूप ले लेती हैं। इस तरीके से वॉल्केनिक होता है और आप देख सकते हैं वीडियो में भी देखेंगे। इस तरीके से दिवाली पर आप अनार चलाते हैं और जब अनार दिवाली पर आप चलाते हैं तो उस वो भी इसी तरीके से लावा उसमें से निकलता है। लावा तो उसमें से नहीं निकलता, उसमें तो फुलझड़ी निकलती है, लेकिन वॉल्केनिक में क्या होता है कि लावा निकलता है, यूं करके ऐसे करके बहता है, यूं करके इस तरीके से बहता है, इस तरीके से आग बहती है। और ये आग किसकी बहती है, जो रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, वो पिघलती हैं और जब चट्टाने पिघलती हैं तो नीचे की तरफ यूं करके यूं ये फैलती हैं। आजकल एक फेक वीडियोज भी चल रहा है, आपने देखा होगा जो माउंटेन्स है वो सब लावा बन गए हैं और बहने लगे हैं, नदियों की तरह लावा बहने लगा, ऐसा ये सब फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से जो लावा होता है वो बहता है और ये जो लावा होता है वो क्या होता है, ये रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, ऐसा नहीं कि मिट्टी होती है ये, तो ये जो चट्टाने होती हैं वो बहती रहती हैं, वो बहती हैं और उसके बहने से प्लेट्यू बनता है, नॉट माउंटेन्स बट प्लेट्यू बनता है। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, पठार में और माउंटेन में बहुत बड़ा अंतर होता है, माउंटेन बहुत बड़ा इलाका होता है और जो प्लेट्यू होता है, प्लेट्यू आप ये मान लीजिए कि जैसे कि ये प्लेन एरिया है आपका, तो प्लेन एरिया में थोड़ा सा यूं करके उठ गया तो ये आपका प्लेट्यू हो गया, फिर यूं प्लेन एरिया है और यूं करके थोड़ा सा उठ गया ये प्लेन एरिया, इस तरीके। तो ये होते हैं प्लेट्यूज। आप ये मत समझिए कि प्लेट्यू मीन्स बहुत बड़ा पर्वत होता है, ऐसा नहीं होता है। और इस तरीके से प्लेट्यूज का मैक्सिमम हाइट जो है वो 600 से 700 तक मीटर तक हो सकता है, इससे ज्यादा प्लेट्यू की हाइट नहीं होती है मोस्टली। और जब अब आप ये मैंने जैसे बनाया, आपको लगा होगा कि सर ये तो बहुत छोटी सी, इसमें तो हम भी चढ़ जाएंगे, नहीं ऐसी भूल भी नहीं है भाई, मैंने बताया मैक्सिमम जो प्लेट्यू की ऊंचाई होती है वो 600 से 700 मीटर तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो ये लावा ज्वालामुखी के जरिए से जो लावा निकलता है उससे जो प्लेट्यूज मींस पठार बन करके तैयार होते हैं वो आपके लावा प्लेट्यूज कहलाते हैं, इसे हम वॉल्केनिक प्लेट्यू भी कह सकते हैं, इसका सेकंड नेम वॉल्केनिक प्लेट्यू भी है ये। और क्या होता है इसमें, जब ये मेल्टिंग होता है तो इसमें वेंट रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, वेंट, जैसे कि इन्हें हम वेंट कहते हैं, ये वेंट झरोखे, जगह जगह कई जगह पर छोटे छोटे सी झरोखे जैसे रह जाते हैं और वो उनमें क्या होता है, थोड़ी बहुत गैस रह जाती है। ओवरऑल यहां से तो बहुत गैस निकली, यहां से तो गैस निकली, तब तो ये जल करके, ये माउंट जो रॉक्स थी जल करके ऊपर की तरफ निकली, लेकिन यहां तो गैस थी, बट निकलने के बाद जब ये वॉल्केनिक बन जाता है, वॉल्केनिक से जो लावा निकलता है उसमें गैस बहुत कम रह जाती है और धीरे 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 ये जो लावा है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद ये प्लेट्यूज का रूप ले लेता है। मैं समझता हूं कि लावा प्लेट्यू आपको समझ में आ गया होगा, लावा प्लेट्यू मीन्स वॉल्केनिक प्लेट्यू, इसे हम दोनों में से किसी भी रूप में कह सकते हैं, मेरे समझ से आप समझ चुके होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए फिर इसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कम से कम आपको 40 मिनट का लेक्चर होगा और 40 मिनट के लेक्चर में आप इसे और ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, इसके बारे में आप बताना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इतना सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,